हेलो दोस्तों एंड वेलकम, आप देख रहे हैं के होम डिज़ाइन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस हाउस डिज़ाइन को पूरे डिटेल के साथ देखेंगे, जिसकी डायमेंशन है 22x20 फीट। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इस घर को डिज़ाइन किया है, जहाँ पर दोस्तों ग्राउंड फ्लोर में आपको 2BHK मिल जाएगा, देन फर्स्ट फ्लोर पर भी 2BHK मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप भी अपने लिए हाउस को डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी, एलिवेशन पसंद आ रही होगी, जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो जैसा कि दोस्तों आप एक्सटीरियर भी ऑलरेडी देख रहे होंगे, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। दोस्तों इसी तरह मैंने इसका इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें आपको स्केचअप फाइल, ऑटोकैड फाइल, PDF, JPG सारा कुछ मिल जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आपने एक्सटीरियर भी ऑलरेडी देख लिया, अब वीडियो को पॉज करके दोस्तों इस प्लान को अच्छे से देख लीजिए। इस प्लान को वॉक थ्रू के जरिए हम लोग इसका होल इंटीरियर भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस मेन एंट्रेंस से घर के अंदर चलते हैं, देन इसका कंप्लीट इंटीरियर व्यू को देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप एलिवेशन देख रहे होंगे, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। चलिए दोस्तों हम लोग इसका मेन एंट्रेंस से घर के अंदर चलते हैं और इसका कंप्लीट इंटीरियर व्यू को देखते हैं। मेन एंट्रेंस से दोस्तों जब आप घर के अंदर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ आपको लिविंग हॉल देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ दोस्तों। मैंने यहाँ पे सोफा वगैरह लगाया हुआ है, देन टी टेबल वगैरह लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। देन इसी लिविंग हॉल से दोस्तों आपको स्टेयर मिल जाती है फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए, जो कि मैंने दोस्तों कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। दोस्तों ये डुप्लेक्स टाइप का हाउस है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। दिन सोफा सेट के सामने दोस्तों मैंने यहाँ पे टीवी यूनिट को फिट किया हुआ है। टीवी यूनिट के जस्ट बगल में दोस्तों यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा, जो कि आपका कॉमन वॉशरूम है। तो चलिए हम लोग इस वॉशरूम को देख लेते हैं। ये रहा आपका कॉमन वॉशरूम दोस्तों, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्लोर पे फ्लोर टाइल्स का यूज किया हुआ, देन वॉल पे वॉल टाइल्स का यूज किया हुआ। दोस्तों यहाँ पे आपको 2x2 के विंडो भी मिल जाते हैं, जहाँ से आपके वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से हो सके। दोस्तों यहाँ पे आप फैन भी फिट कर सकते हैं, शावर भी फिट कर सकते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वॉशरूम से निकल कर दोस्तों हम लोग किचन को देख लेंगे, जो कि मेरा टीवी यूनिट के जस्ट बगल में है। देन सामने दोस्तों यहाँ पे आपको दो डोर दिख रहे होंगे, दोनों बेडरूम के। तो बेडरूम को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग किचन को देख लेते हैं। ये रहा आपका किचन दोस्तों, जो कि अच्छी खासी साइज में बनाई हुई दोस्तों। यहाँ पे भी दोस्तों आपको विंडो मिल जाती है, जहाँ से आपके वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से हो सके। देन ओवरऑल दोस्तों मैंने यहाँ पे छोटा सा स्पेस है किचन का, फिर भी मैंने अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ है। दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्लोर पे फ्लोर टाइल्स का यूज किया हुआ, देन वॉल पे वॉल टाइल्स का यूज किया हुआ, जो कि काफी खूबसूरत लग रही है। दोस्तों ये घर का साइज काफी छोटा है, फिर भी मैंने काफी अच्छे तरीके से डिजाइन करने की कोशिश की है। तो चलिए इस किचन से निकल कर दोस्तों हम लास्ट में हम लोग को 2 बेडरूम रह जाता है, दोनों बेडरूम को 1x1 देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों आपका फर्स्ट बेडरूम, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। कलरिंग वगैरह आप देख सकते हो दोस्तों, कितना अच्छे तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको बेड भी मिल जाएगा, कवर भी मिल जाएगा, इसके बावजूद भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको बड़ी साइज में विंडो भी मिल जाती है, जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से हो सके। देन और दोस्तों आप डिजाइन देख सकते हैं, कितना अच्छा तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ। दोस्तों मैंने यहाँ पे वॉल पेंट का यूज़ किया हुआ, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो चलिए इस बेडरूम से निकल कर दोस्तों ग्राउंड फ्लोर के लास्ट बेडरूम को देख लेते हैं। दोस्तों ये डिज़ाइन पसंद आ रही होगी, ये इंटीरियर व्यू पसंद आ रही होगी, जरूर वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। ये आपका लास्ट बेडरूम दोस्तों ग्राउंड फ्लोर के, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे भी आपको बड़ी साइज में विंडो मिल जाती है, जहाँ से आपके वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से हो सके। देन ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे आप बेड भी देख सकते हैं, कवर भी देख सकते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल रही होगी।
दोस्तों यहाँ पे भी मैंने वॉल पे वॉल पेंट का यूज़ किया हुआ है। तो चलिए इस बेडरूम से निकल के दोस्तों हम लिविंग एरिया में चले आते हैं। देन ये आपका ओवरऑल लिविंग एरिया दोस्तों, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया। जैसा कि मैंने आपको बोला दोस्तों, ये कि आपका डुप्लेक्स टाइप का हाउस है, ऊपर से आप अगर नीचे देखेंगे तो डायरेक्टली आपको काफ़ी अच्छा सा व्यू मिलेगा। काफ़ी मेहनत करके काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश की है दोस्तों, फिर भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। छोटा सा स्पेस है दोस्तों, 22x20 फीट का काफ़ी छोटा सा स्पेस है, फिर भी मैंने अच्छे तरीके से अपने हिसाब से अरेंज करने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग एग्जिट के डोर से एग्जिट हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो एग्जिट आपको सेम डिजाइन देखने को मिल जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे भी। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, हम लोग ग्राउंड फ्लोर देख करके जस्ट घर से बाहर आ चुके हैं। ये सेम डिजाइन दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी देखने को मिल जाएगा। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों मैंने यहाँ पे सामने बालकनी के तौर पर डिजाइन किया हुआ, जो कि काफी खूबसूरत लग रही है। तो ये ओवरऑल डिजाइन था दोस्तों हमारा 22x20 फीट का। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आई होप दोस्तों कि आपको ये डिजाइन पसंद आई होगी, ये एलिवेशन पसंद आया होगा, इंटीरियर व्यू पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।